नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ फैमिली। आज मैं रूम में बैठ के आप सभी के लिए इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आप सभी के सपोर्ट के साथ आज 1,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेरे साथ जुड़े और मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ इस तरह ही जुड़े रहें और अपने मित्रों साथियों को शेयर करते रहें वीडियोस को। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, आज तक मेरी ज़िंदगी कैसी रही, वो चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में हर एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजेश शुक्ला है और मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू के निर्मल क्षेत्र का एक छोटे से गांव पुजारली का स्थायी निवासी हूँ। और मेरे माता पिता, मेरे पिताजी किसान हैं और माता जी गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं। सो गाइस, मैंने बहुत गरीबी को देखा है बचपन में और आज के टाइम में बहुत अच्छा सारा फैमिली है और अच्छे तरीके से हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो गाइस, जो हमारा बचपन गुजरा बहुत गरीबी में गुजरा था और धीरे धीरे मेरे मॉम डैड ने और थोड़ा हम मेरे दादाजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके सपोर्ट से आज हमारे पास हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। और उसके पश्चात मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट से लेकर प्लस टू तक अपने यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ा हूँ और मेरी दो बहनें हैं। मुझसे बड़ी जो बहन है मेरी, वो उनकी शादी हो चुकी है और गवर्नमेंट जॉब में है, एक बड़ी पोस्ट में है। उनके ज़्यादा मैं जानकारी साझा नहीं कर सकता। और जो मेरी छोटी बहन है वो एक इंटरनेशनल लेवल में कंपनी में काम कर रही है। और स्पेशली थैंक्स इस जो ये अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है, ये मैं अपने छोटी बहन और मेरे मामू के जो बेटियां हैं, बड़ी दी, पूजू दी और प्रीति, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए। बहुत उन्होंने शेयर किया अपने फ्रेंड सर्कल में और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस काम के लिए, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो गाइस, उसके बाद प्लस टू हमारी हुई थी और मैं सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए गया था ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारटी सोलन में। फिर वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है और कुछ टाइम मैंने अपना टाइम एलिवेटर कंपनी में दिया हुआ है एज ए हेल्पर। एज ए हेल्पर मैंने वहाँ पे काम किया था, मिनिमम 3,000 से 5,000 रुपये पर मंथ पे। धीरे धीरे 2-2.5 साल में वहाँ पे रुका रहा और उसके बाद पूरा काम सीख के एक अपनी कंपनी स्टार्ट की है आज के टाइम में। और धीरे धीरे कंपनी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ दूसरे पार्टनर भी मेरे साथ में। और उसके साथ साथ 2012 में मुझे मैं पैशनली म्यूज़िक लाइन में चला गया था। और 13 में मैंने एक बहुत बड़ा म्यूज़िक एल्बम मार्केट में दिया था और वो बहुत सुपर डुपर हिट किया था। ऑल ओवर हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह वो प्रोजेक्ट चलता था, हिमाचली जो सॉन्ग था उसके, जो मैं अपने स्टार्टिंग और एंडिंग में टोन यूज़ कर रहा हूँ वही, उसी सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ। और वो 2014 में बहुत ज़्यादा, 2014 का सुपर ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था हिमाचल प्रदेश का। और आज के टाइम में भी वो एक ऐसे सॉन्ग्स में गिना जाता है, आज भी मेरी पहचान उससे है। बहुत सारे लोग हंसते भी हैं कि ये क्या काम करते हैं, या कोई भी, एक मेरी बात नहीं है, कोई भी कोई ऐसा आज के टाइम में सिंगिंग से रिलेटेड या डांसिंग से रिलेटेड कोई काम होता है वो लोग हंसते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या इनका प्रोफेशन है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है।
प्रोफेशन पैशन जो भी है, अपनी शौक होती है, आप अपनी शौक को हमेशा पूरा कीजिए। आज मैं एक यूट्यूबर बन रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे हंसते हैं मेरे ऊपर और कोशिश करते हैं कि मैं ना करूँ ये चीज़, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप भी नहीं करिएगा और कभी ये चीज़ें सोचनी भी नहीं है ज़िंदगी में। तो गाइस, जब वो सिंगिंग का काम मेरा चलता था और धीरे धीरे हमने बहुत सारे इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, पर एक चीज़ थी उसमें, उस टाइम हमारे पास ना तो ये 4G का सिस्टम था और दूसरी बात ना हमें इतना दिमाग था, नॉलेज था कि भी अगर हम यूट्यूब में इसको डाल दें, किसी भी जैसे भी करके हम डाल देते तो शायद आज के टाइम में इनकम भी उससे बहुत ज़्यादा आ रही होती, कैसे भी करके कोई भी वीडियो हम उसमें डाल देते धीरे धीरे, और ना उस टाइम यूट्यूब का नॉलेज था। अगर होता तो आज के टाइम में बहुत सारा यूट्यूब में भी पैसा कमा सकते थे हम। लेकिन चलो वो बात छोड़ो, दूसरी बात ये है गाइस, जब अगर ये हम काम कर रहे हैं, 100 में से लगभग हमारे यहाँ के जो लोगों का सोच है वो इस चीज़ के प्रति बहुत नेगेटिव है और वो सोचते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत गलत है या कुछ है, वो उस चीज़ को मजाक समझते हैं और हंसते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि एक पैशन प्रोफेशन अलग अलग चीज़ है, और दूसरी बात ये है घर की मुर्गी लाल बराबर, वो बात तो आपने सुनी होगी। घर के अंदर जब हम यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली अपने गांव और घर पे कभी भी किसी को उस लेवल का नहीं समझा जाता, लेकिन जो ये सिंगिंग का जो हमने काम किया था, मैंने काम किया था, ऑल ओवर हिमाचल में मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्रगण हैं, दोस्त हैं और बहुत अच्छी जान पहचान है, तो उसी सॉन्ग की वजह से और उसी सिंगिंग की वजह से, और मैं वो पैशनली चलता रहा, आज के टाइम में भी चलता है क्योंकि वो मेरा शौक है, मैं उसे पूरा करता हूँ, तो साथ साथ में अपना कंपनी का काम भी चल रहा है। तो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से कंपनी के काम में थोड़ा सा बोल सकते हैं काम कम हो चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे अपना एक साथ साथ मैं अपना ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करूँ, और इसके लिए सजेशन मुझे मेरी छोटी बहन ने सबसे पहले दिया, और थोड़ा सजेस्ट मुझे मेरा एक फ्रेंड है कैलाश, KCP म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसने भी सजेस्ट किया, और साथ ही साथ में दो चार मेरे और भी भाई लोग हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया, और मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प इसमें छोटी बहन विनु और बड़ी दी पूजू दी और छोटी बहन प्रीति, उन्होंने बहुत हेल्प की और आज भी हेल्प कर रहे हैं, और मॉम डैड ने बहुत मेरी हेल्प की है, वो मुझे आज के टाइम में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइज़ जो ये यूट्यूब चैनल है आप भी कर सकते हैं और इसमें अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, ठीक है गाइस, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको ज़रूर ऐसी चीज़ें हर एक दिन में हर रोज़ एक नया कंटेंट लेकर आना होता है, लोगों को पहुंचाना होता है, लोग आपको देखें, इस तरीके का कंटेंट आप बनाते रहिए और ऑब्वियसली बहुत अच्छी इनकम है इसमें, और बाकी अपना बिजनेस को भी आप चला सकते हैं साथ साथ में, तो उससे ऐसा होगा गाइस कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है अपग्रेड हो जाएगा और धीरे धीरे आपको यहाँ से इनकम भी आने लग जाएगी। अगर तो आपका कोई ऐसा वीडियो वायरल हो गया और आप बहुत हिट हो गए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो आप आराम से अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, तो उसके लिए आपके अंदर एबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैं अपनी तरफ से ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, अभी तो बहुत कम, मैंने 10 से 12 दिन अभी मेरा काम स्टार्ट हुआ है और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और मैंने बहुत मेहनत भी की है, किसी से रिक्वेस्ट कर करके भी सब्सक्राइब करवाया हुआ है, धीरे धीरे करके जब मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज होगा तो मैं आप सभी के बीच में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की, और आप सभी को यूट्यूब के बारे में भी नॉलेज दूंगा, और आशा करता हूँ मैं आप सभी को धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ और आप सभी को वो पसंद भी आए, तो आप हमेशा मेरा साथ देते रहें जिस तरह आपने अभी साथ दिया है, 10 से 15 दिनों के बीच में मुझे चैनल मोनेटाइजेशन के मतलब बहुत ही नज़दीक पहुंचा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, और ये थोड़ी मेरी मेहनत भी है और सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्यार है, आप प्यार देते रहें और मैं आप सभी को नई नई चीज़ें मोटिवेशन की चीज़ें भी लाता रहूँगा और ये चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा कि इसमें किस तरह से यूट्यूब में काम करते हैं, आने वाले टाइम में करूँगा वो चीज़, और कुछ एक सॉन्ग्स अपने जो
मैंने गाए हुए सॉन्ग हैं, उसके वीडियोस वगैरह नहीं निकले हुए हैं, वो भी इसमें मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, नए जो अपने कोई सॉन्ग्स वगैरह होने हैं वो भी इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करूँगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपने कोई भी काम करना हो तो उस चीज़ के लिए कभी ना तो शर्माएं ना हिचकिचाएं। अगर कभी मार्केट में भी जाना हो आप आराम से करिए। लोगों का काम हंसना है, देखना है। कोई लोग अच्छे भी होते हैं, कोई लोग बुरे भी होते हैं, उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अभी अगर आप कुछ भी नहीं हैं तो आने वाले टाइम में ज़रूर वो लोग जो हंसने वाले लोग होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, वो तो हमेशा देखेंगे और उस टाइम उनकी हंसी चुप हो जाएगी। लेकिन जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल भूलना नहीं है, हमेशा उन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और अच्छी कीचड़ को छोड़कर अच्छी जगह जाना है और अच्छे अच्छे काम करने अपनी ज़िंदगी में। और मैं गाइस आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ, आज आप सभी ने 1,000 सब्सक्राइब मेरे पूरे किए हैं, ये आप सभी की बदौलत हुआ है। तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं मैं फुल ट्राई करूँगा कि आप सभी को वो पसंद हों और आप मुझे आगे बढ़ने का पूरा मौका दें। और ज़रूर आप अपने मित्रों, अपने जो अपने सगे भाई बहन, अपने परिवार हैं, जितने भी आपके नियरेस्ट क्लोज पर्सन हैं, आप सभी के साथ ये वीडियोस साझा करें। इसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसे नॉलेज की बात लेकर आऊँगा और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें, देवी देवताओं का, जो मंदिरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, और कोई अच्छी जो हमारे जैसे लाइक बागा सराहन टूरिस्ट प्लेस वगैरह हों, और हर एक चीज़ एंटरटेनमेंट के जितने भी हमारे यहाँ पे स्कोप हैं, जितना मैं आप सभी के लिए कर सकता हूँ वो मैं सारा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी के लिए साझा करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी मेरी बातों से बोर नहीं हुए होंगे और कल से स्पेशली फिर से धीरे धीरे व्लॉग्स आते रहेंगे। अभी मेरा स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ता रहेगा तो उस तरीके से फिर थोड़ा थोड़ा मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाता रहूँगा। बीच में कोई व्लॉग्स आपको अच्छे ना लगे तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और अच्छे लगे हों तो उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी फैमिली में, इस यूट्यूब फैमिली जो हमारा 1,000 सब्सक्राइबर का एक चैनल बन चुका है RJ भाई हिमाचल वाला, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं इस काम को और ज़्यादा बढ़ाऊँ और आप सभी के बीच में वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। डेली ब्लॉग आते रहेंगे, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर आप सभी के लिए साझा करता रहूँगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, पिछली जो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं उनको भी ज़रूर देखिए, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए अपना बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।